Hello, students. How are you? I hope you all are fine and safe. Students, today we will learn about the animals. This is your EVS book, World Around Us. Okay. Now you have to open the page number 23. Now, page number 2323. Okay. Chapter 11 Animals Near and Far. बच्चों वे जानवर जो हमारे पास में होते हैं और हमसे दूर होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे ओके वी सी मैनी एनिमल्स अस हम अपने चारों ओर बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं दे हैव डिफरेंट साइजेस अब वे साइज में अलग अलग होते हैं सम एनिमल्स आर वेरी बिग कुछ एनिमल्स साइज में बहुत बड़े होते हैं फर्स्ट इज़ एलिफेंट एलिफेंट इज़ दैवी एनिमल वी रीड दिस एस्पैलिंग ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट नेक्स्ट इज़ कैमल सी एम ई एल कैमल नेक्स्ट इज़ लायन एल आई ओ एन लाइन एनिमल्स आर ऑफ मीडियम साइज कुछ एनिमल्स मीडियम साइज़ के होते हैं बच्चों बी सी फर्स्ट इज़ फॉक्स एफ ओ एक्स फॉक्स Second is cow, C-O-W, cow. Third is donkey, D-O-N-K-E-Y. Donkey. Cow and donkey are domestic animals. Okay, students? Now, some animals are small. Kuch animals, chote macho. First is dog, D-O-G, dog. Second is cat, C-A-T, cat. Third is rabbit, R-A-B-B-I-T, rabbit. Okay?

स्क्वाइर मीनस गिलहरी नेक्स्ट इज फ्रॉग एफारूजी फ्रॉग काइंड ऑफ एनिमल्स वी कीप सम एनिमल्स इन आवर हाउसेज इन आवर हाउस एज पैट्स वी कीप सम एनिमल्स इन आवर हाउस एज पैट्स बच्चों कुछ एनिमल्स को हम अपने घर में एज अ पैट पालतू के तौर पर रखते हैं फर्स्ट इज पैरट P A Double -R, R O T parrot. Next is dog D O G dog. That is fish F I S H fish. Okay. Next some animals are useful to us. कुछ animals हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं We keep them in our houses and farms. और जिन्हें हम अपने घरों में और farms में रखते हैं They are called domestic animals. ऐसे जानवरों को बच्चों हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं ओके फर्स्ट इज गोट जी ओ ए टी गोट नेक्स्ट इज हैन एच ई एन हैन नेक्स्ट काओ सी ओ डब्ल्यू का आओ नेक्स्ट पेज नंबर ट्वेंटी फाइव टू फाइव ट्वेंटी फाइव ओके आओ समनिमल्स लिव इन द जंगल कुछ एनिमल्स बच्चों जंगल में रहते हैं दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स ऐसे जानवरों को हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं वाइल्ड मीन्स जंगली वी कैन सी दैम इन द ज़ू और जिन्हें हम जू यानी कि चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं ओके फर्स्ट इज़ लायन एल आई ओ एन लाइन सेकेंड इज जेब्रा जेड ई बी आर ए जेब्रा थर्ड इज़ जराफ जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ जिराफ इज़ आ टॉलेस्ट एनिमल ओके स्टूडेंट्स सम एनिमल्स लिव इन वाटर कुछ एनिमल्स बच्चों पानी में रहते हैं दे आर कॉल्ड वॉटर एनिमल्स और ऐसे एनिमल्स को हम वाटर एनिमल्स कहते हैं यानी कि पानी में रहने वाले जानवर ओके फर्स्ट इज क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई क्रोकोडाइल रिपीट अगेन सी आर ओ सी ओ d i l e croco dial next is fish f i s h fish next is octopus o c t o p u s octopus okay now open the next page number 26 26 26 okay we will do this exercise फर्स्ट रीडर इज़ आई कैन रोर आई हैव अ मेन आई ईट अदर एनिमल्स आई एम अ डैश ये दहाड़ता है आई कैन रोर मैं दहाड़ सकता हूँ आई हैव अ मेन मेरी ये बाल हैं बड़े बड़े बच्चों लायन के आई ईट अदर एनिमल्स और मैं दूसरे एनिमल्स को खाता हूँ आई एम आ डैश और मेरा नाम क्या है लायन तो वी विल राइट द लायन एल आई ओ एन एन ओके नेक्स्ट रीडर आई हैव टू लैग्स, मेरे दो पैर हैं आई लेज एक्स और आपको बच्चों पता है हैंन एक्स देती है आई लिव ऑन द फार्म और मैं फार्म पर रहती हूँ आई आमा डैश तो मैं कौन हूँ बताइए आप तो आपको पता है ये किसकी पिक्चर है बच्चों? हैन की आया मा हैन तो आप लिखेंगे हैन एच ई एन हैन ओके नाउ नेक्स्ट रिडल इज आई एम अ आई एम येलो एंड ब्राउन मैं येलो और ब्राउन हूँ आई ईट लीव्स और मैं लीव्स खाता हूँ आई हैव अ वेरी लॉन्ग नेक और मेरी बहुत लंबी गर्दन है आई एम अ डैश तो मेरा नाम बताइए तो आप बच्चों पिक्चर को देख के बताइए आपको पता है ब्राउन स्पॉट्स और लॉन्ग नेक जिराफ होता है तो वी विल राइट जिराफ जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ जी आई आर ए डबल एफ ई जराफ ओके नेक्स्ट आई ईट लॉर्ड्स ऑफ ग्रास मैं बहुत सारी घास खाता हूँ आई लुक लाइक आ हॉर्स और मैं हॉर्स की तरह दिखता हूँ आई हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स और मेरे पास ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स यानी कि ये बच्चों आपको स्टेप्स दिख रही हैं जैबरा के ऊपर ओके आई एम आ डैश तो मैं बताइए मेरा नाम बताइए तो आपको इसमें बताना है आई एम आ ज़ेब्रा क्योंकि ये ज़ेब्रा की पिक्चर है ओके तो हम राइट करेंगे जेड ई बी आर ए जैब्रा आई एम ए ज़ेब्रा जेड ई बी आर ए जैबरा ओके नाउ Students, you have to complete this exercise. Okay? Thank you, students. Bye bye.